आचार्य जी, मेरा एक क्वेश्चन बनता था यहाँ पे कि स्लीप के लिए तो आपने बता दिया ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ना एंग्जाइटी होती है, घबराहट, यू नो, एक पेट में एक गोला होता है, छाती भरी हुई होती है, मूड तो वैसे ही ख़राब. आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही केसेस, ऐसा एक्सट्रीम केस है जिसमें मूड ख़राब की जगह पे हम एंग्जाइटी कहते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. तो एंग्जाइटी में जो सर, एंग्जाइटी को हटाने के लिए योग कैसे हेल्प कर सकता है? बहुत ही सही सवाल है आपका. घर के अंदर रहकर कुर्सी पे बैठे बैठे एंजाइटी को कैसे दूर कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं. इसके लिए, क्योंकि ये माहौल ऐसा है, इस महामारी के भय से हर इंसान क्रियाकलापों से बहुत दूर हो गया है, अलग थलग पड़ गया है. जो इंसान अपनी ज़िंदगी के 10 से 14 घंटे 12 घंटे बाहर गुजारता था, आज वो आदमी पूरी तरह से लॉकडाउन में, पूरी तरह से हाउस अरेस्ट है पूरी तरह से, और उन सारी चीज़ों से डिसकनेक्ट हो गया है और घर के अंदर रहने के लिए मजबूर हो गया है. इससे चिंता, अवसाद, एंजाइटी का पैदा होना स्वाभाविक है. ऐसे में प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास आपको तनाव और चिंता को कम करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा. योग का नियमित अभ्यास आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ नकारात्मक विचारों से भी मुक्ति दिलाएगा. ऐसे में क्या होगा कि एंजाइटी पर कंट्रोल करने के लिए आप क्या करें, आप घर में कुर्सी पर बैठे बैठे पहले तो सूर्य नमस्कार करें. वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है. देखें, उस सूर्य नमस्कार के एक स्टेप मैं करके दिखा देता हूं. स्टेप 1, 2, पूरा श्वास लेते हुए ऊपर जाएं. 3, फिर पीछे शरीर को झुकाएं. 4, फिर पूरा आगे झुकें और अपने एंकल्स को पकड़े, माथे को घुटने से लगा दें. 6, पूरा स्ट्रेच करें. 7, पीछे झुकें. और 8, वापस आए. तो इस अभ्यास को अगर आप कम से कम 10 बार कुर्सी पे बैठे बैठे करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अभ्यास. साथ ही साथ एंजाइटी को दूर करने के लिए और क्या करें, एंजाइटी को दूर करने के लिए एक ध्यान करें. ध्यान कैसे कि आप जब कुर्सी पे बैठे हो और अपने आंखों को बंद कर लें और अपने पूरे शरीर पे ध्यान दें. सबसे पहले विड्रॉ करते जाएं. तो क्या विड्रॉ करना है कि पूरा ग्रॉस बॉडी जो है आपका वेट, शरीर का जो भार है, शरीर का जो वजन है, यू हैव टू टोटली विड्रॉ टू द फ्लोर. जमीन के ऊपर पूरा शरीर के वजन को ढीला छोड़ दें. तो कुर्सी पे अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और उसके बाद अपनी सांस प्रश्वास को बिल्कुल फ्री छोड़ दें. Your breathing has to be very normal, spontaneously normal. आपको श्वास के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है, नियंत्रण नहीं करना है. कंफर्टेबली श्वासों को आने दें और जाने दें. आने जाने के उस प्रक्रिया पर अपनी नजर रखें. उस तरह से नजर रखें जैसे आप सड़क पर खड़े होकर के ट्रैफिक को देखते हैं, इधर से एक गाड़ी गई, उधर से एक गाड़ी आई, मगर आप किसी में इन्वॉल्व नहीं होते. तो आपको बिल्कुल किसी विचार के साथ नहीं बैठना है, विचार के साथ नहीं जाना है. आप सिर्फ एक विटनेस भाव के साथ, एक दृष्टा भाव के साथ, एस सीयर बन करके जब आप अपनी सांसों को देखने लगोगे तो धीरे 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 करके आपका सांसें भी नॉर्मल होती चली जाएंगी और मन एकाग्र होता चला है. जैसे ही मन एकाग्र होना स्टार्ट हो, यू फील स्टार्ट योर बॉडी इन योर माइंड एंड ब्रीदिंग इन योर. तो आप इन तीनों लेवल पे इंटीग्रेट हो जाए, शरीर को अपने मन में महसूस करने लगे और सांसों को शरीर में. ऐसा जब करते रहेंगे, यकीन मानिएगा, एंजाइटी आपके बिल्कुल पास नहीं होगी, आप एंजाइटी से बहुत दूर चले जाएंगे. तो ये प्रैक्टिस आप करके देखें, फिर देखें कि ये क्या आपके शरीर पर, मन पर और विचारों पर प्रभाव डालती है. अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है. कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल.